जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आयुष्मान कार्ड बहुत ही काफी चर्चा में चल रहा है कि जिसमें आप 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो हमें अगर लिस्ट में हमारा नाम है तो हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा लिस्ट में आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो हम उसे कैसे बनाएं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड को बनाने से पहले आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है। पहले आयुष्मान कार्ड को ऑपरेटर आईडी हर कोई ले सकता था और वो अपने घर का आयुष्मान कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट कर सकता था अपने फोन मोबाइल से ही घर बैठे ही। मगर अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि हर किसी को आयुष्मान कार्ड की आईडी ऑपरेटर आपको मिलेगी नहीं। उसके लिए अगर आपको प्राप्त करना है तो उसमें एक ऑप्शन ऐड किया गया जिसका नाम है एडमिन कोड। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो एडमिन कोड क्या है और कैसे हमें प्राप्त होगा और कैसे हम आयुष्मान कार्ड की ऑपरेटर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप आयुष्मान कार्ड आईडी प्राप्त कर सकते हैं और उसके ऑपरेटर के जरिए से आप अपने ग्राम सेवा के और अपने गांव के लोगों की फ्री में या जो भी चार्ज ले सकते हैं उनको उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे beneficiary.nha.gov.in। ये लिखने के बाद आप सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के पिन में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो मुझे आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी लेना है तो हम ऑपरेटर वाला आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपने आयुष्मान कार्ड में पहले से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है तो वह नंबर डालकर आप यहाँ से वेरीफाई कीजिए। बट मेरा अभी तक कोई भी मोबाइल नंबर आयुष्मान कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। हम यहाँ नीचे साइनअप पर क्लिक करेंगे। साइनअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है आधार नंबर। यहाँ से हम अपना आधार नंबर डालेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे और केवाईसी मोड पे आएंगे। आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद हम दोबारा ई केवाईसी पाएंगे और यहाँ से हम अपने आधार कार्ड से, अगर हमारे पास बायोमेट्रिक सेंसर है तो हम बायोमेट्रिक सेंसर देकर अपने फिंगरप्रिंट से इसे ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको कॉन्सेंट पर क्लिक पढ़ना है। प्राइस से पढ़ने के बाद आप बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां से कॉपी करके इसे सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक आपका इस तरीके से पेज खुल चुका है और ऊपर आपका नाम, जेंडर, आपकी एज और आपका एड्रेस यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है। फिर नीचे लिखा है करंट एड्रेस इज सेम इज आधार एड्रेस। क्या आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वही आप नीचे चाहते हैं? तो यहाँ से आप इसे बॉक्स पे क्लिक करके उसे से सही कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप अनटिक कीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ पर शो हो रहा है करहा, तो मैं यहाँ करहा में यन मेरा छूट गया ऊपर वाले फंक्शन में, मैं करहा पूरा लिखूंगा। यहाँ पर अपना मैं पिन कोड डालूंगा। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ से मैं अपने स्टेट को चूज़ करूँगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश चूज़ करने के बाद यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट शो होगा। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा शो हो रहा है कि वेरीफाई ईमेल। यहाँ से हम अपने ईमेल आईडी की से वेरीफाई करेंगे और मोबाइल नंबर इसे वेरीफाई करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब हमारा दोनों तरीके से वेरीफाई हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पेज में ओपन होंगे और ऊपर ये आपको दिख रहा है इसके जस्ट बगल में कि ये हमारा आधार कार्ड का फोटो है। फिर यहाँ पर शो हो रहा है अपलोड न्यू पिक्चर। हम कोई न्यू पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें अगर आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, अगर आप ईमेल आईडी नहीं देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, मगर मेन आपका मोबाइल नंबर ज़रूरी है। इसके बाद हम प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देख पा रहे जैसे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और ओटीपी सक्सेसफुल हो चुकी है तो हमें एक नेक्स्ट पेज खुला है। नेक्स्ट पेज आपको दिख रहा है एड रोल डिटेल्स। यहाँ से हम पेरेंट एंट्री पर क्लिक करेंगे कि यहाँ पर हम किस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश या बिहार से, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं यहाँ से हम अपने स्टेट को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद एंट्री टाइप में आएंगे और यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप इस चीज़ का किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर हम कार्ड करेक्शन एजेंसी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे फिर हमारा नीचे है एंटिटी नेम। यहाँ से हम क्या किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, सीएससी में या ग्राम सेवक में या जिस भी चीज़ में हम यूज़ करना चाहते हैं हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा सीएससी है या ग्राम सेवा है, ग्राम पंचायत के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, हम सीएससी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ये हमारा सीएससी आईडी है। अगर हमारे पास सीएससी आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, इस पेज को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे यूज़र रोल पे। यूज़र रोल पे हमारा क्या रोल है, यहाँ पर हम एजेंसी ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है। फिर इसके बाद ये हमारा है एप्लीकेशन पे आने के बाद हम BIS पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा शो हो रहा है एडमिन कोड। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम एडमिन कोड कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इसके पहले जो आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर
अपनी आईडी कार्ड लेते थे तो वहाँ पर ये एडमिन कार्ड शो नहीं होता था। ये इसलिए कर दिया गया कि कोई भी हर कोई आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी प्राप्त ना कर पाए। अब इसके लिए आपको सीएससी आईडी की आवश्यकता पड़ सकती है या ग्राम सेवक आईडी आवश्यकता पड़ सकती है या आपके जो जिले में डीएम है उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप एडमिन कोड प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है कि हर कोई अब आयुष्मान कार्ड का आईडी प्राप्त न कर सके। जिसको ज़रूरत है बस उसी को ही आयुष्मान कार्ड की आईडी दी जाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ही अपने एडमिन कोड को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ऐसे और टेक्निकल टिप जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।